नमस्कार दोस्तों, नौकरी जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ पर पदों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी आपके लिए बम्पर वैकेंसी निकले वाली है। इसका दोस्तों आप देख सकते हैं प्रस्ताव सरकार ने भेज दिया है आपके लिए। आप देख सकते हैं सेवा नियमावली में संशोधन के चलते लंबे समय से भर्ती नहीं हो सकी थी, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जल्द यहाँ पर पूरा किया जाने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट रहने वाली है। इस भर्ती के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, हम बताएंगे कि कौन से राज्य ने ये वैकेंसी निकालने की पूरी तैयारी कर रखी है ग्राम विकास अधिकारी के पदों के ऊपर वैकेंसीज के लिए। तो आप ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो देख लेते हैं आखिर ग्राम विकास अधिकारी के पदों के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए और कब ये वैकेंसी जारी विभाग कर रहा है। आप दोस्तों देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी के पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 324 पदों के ऊपर ये वैकेंसीज रहने वाली है। देहरादून से ये खबर आपके लिए रहने वाली है। आप देख सकते हैं ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारियों के 324 पदों पर भर्ती होने जा रही है। विभाग ने रिक्त पदों का अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों की सेवा नियमावली संशोधन के चलते लंबे समय से यह भर्ती रुकी हुई थी। विभाग ने पिछले साल सेवा नियमावली में बदलाव किया तो पहले सेवा नियोजन कार्यालय पंजीकरण की अनिवार्यता रद्द होने और बाद में आर्थिक आरक्षण के मानक तय न होने के तक यह भर्ती रुकी रही। आखिरकार अब विभाग ने पूरे 324 पदों के लिए यहाँ पर अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। इसमें आर्थिक आरक्षण सहित सभी वर्गों का आरक्षण भी यहाँ पर शामिल किया गया है। हालांकि इस बीच सरकार आर्थिक आरक्षण को शामिल कर नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर तैयार कर रही है। इस कारण आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने में कुछ समय अभी लग सकता है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोले ने भर्ती प्रस्ताव मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाएगी। तो आपके लिए यहाँ पर एक मौका है ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर, पूरे 324 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती होगी। आप इसमें अपना फॉर्म जरूर फिल करिएगा। आगे कोई भी नोटिफिकेशन इस भर्ती के बारे में अपडेट हमारे को मिलेगा तो हम इस चैनल पर आपको जरूर अपडेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल गाइस।